नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रणबीर और आलिया की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट माता पिता बन चुके हैं, बेटी को जन्म दिया है और इसी के साथ घर में कपूर खानदान में खुशियों की बौछार आ चुकी है। अप्रैल के महीने में हमने देखा था रणबीर और आलिया ने शादी रचा ली, लेकिन उसके दो महीने बाद ही आलिया ने प्रेगनेंसी की खबर दी और आज यानी कि 6 नवंबर को उन्होंने बेटी को जन्म दिया है। यहाँ परिवार बहुत खुश है और इसी के साथ बच्चे की बुआ वहां पहुंची है, यानी कि करीना कपूर पहुंच रही है उनसे मिलने। करीना कपूर जाहिर कर रही हैं खुशी अपनी जो भतीजी हैं उनके आने की। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से रणबीर कपूर की बहनें यहाँ मौजूद होने वाली हैं, रिधिमा कपूर अपनी भतीजे को देखने के लिए अस्पताल में जल्द ही मौजूद होने वाली हैं, वो निकल चुकी हैं, रवाना हो रहे हैं और इसी के साथ खुशखबरी जो है ये आ चुकी है। खानदान परिवार जो खानदान है पूरा कपूर खानदान इस वक्त बेहद ही खुश है और साथ ही खुश है इस चीज को लेकर कि यहाँ पर किस तरीके से परिवार में खुशियों का माहौल जो है वो जाग चुका है। यहाँ पर किस तरह से करीना कपूर, करिश्मा कपूर जो बुआएं हैं बच्चे की, वो यहाँ पर खुश है। यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद आलिया भट्ट के ट्विंस हो, या अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद बेटा हो या ऋषि कपूर की वापसी हो, लेकिन यहाँ पर बेटी को जन्म दिया है, घर में लक्ष्मी आ रही है, खुशी जाहिर हो रही है और यहाँ पर आलिया और रणबीर भी बहुत ही खुश है, वहीं उनके फैंस खुश है, सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां दे रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं रणबीर और आलिया की शादी को लेकर। आप कितने खुश हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वर्क फ्रेंड की बात करें तो अभी आलिया और रणबीर की ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी और हॉटस्टार पर भी आ चुकी है ये पार्ट वन। आप जिससे नहीं देखी वो वहां पर देख सकता है और जो देख चुका है उसे कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि जब आलिया प्रेग्नेंट थी और जब उनकी डिलीवरी डेट पास आ रही थी, रणबीर ने अपनी फिल्म एनिमल का जो काम खत्म करके यहाँ पर टाइम दिया है अपनी पत्नी को पूरी तरीके से और आज खुशखबरी घर में आ चुकी है। सिर्फ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।